नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा साउथ ईस्ट फेसिंग घर के प्लान के बारे में। दोस्तों, यह एक साउथ ईस्ट फेसिंग प्लान है। जैसे देख रहे होंगे, यह ईस्ट है, यह साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये डायगोनल है, मतलब दिशाएं 45 डिग्री पर है। ये तो नॉर्थ से यहाँ पर आया, कोने पर आया। दोस्तों, जब इस तरीके से दिशाएं कोने पर 45 डिग्री पर हो, तो ये जो कॉर्नर है ये ईशान कोण की तरह व्यवहार करता है। उस केस में नॉर्थ यहाँ आ जाता है, नॉर्थ इसे मानना चाहिए और इसे ईस्ट, इसे साउथ, इसे वेस्ट मानना चाहिए। यदि ये नॉर्थ यहाँ होता 42-43 डिग्री होता, तो फिर ये हम इसे नॉर्थ मानते, इसे ईस्ट मानते। और यदि यहाँ होता तो ये नॉर्थ ही है, पर 45 डिग्री पर नॉर्थ ये हो जाता है। ऐसे केस में कभी भी वो जो ग्रिड बना के जो बताते हैं कि उसके हिसाब से ये यहाँ हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिल्कुल नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट यही रहेगा। और आपको इसको नॉर्थ ईस्ट मानते हुए वास्तु के जो सिद्धांत हैं उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए। अपन अब देखते हैं कि वास्तु की दृष्टि से ये कैसा प्लान है। अब यह ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। अब इन्होंने ये रखा है मेन गेट और कार अंदर रखी, इसका मतलब कि घर की कुर्सी हाइट तो 1.5-2 फीट ऊंची होगी होगी, सड़क के लेवल पर तो होगा नहीं सड़क घर। और ये जो है इन्होंने ड्राइव रखा, मतलब ये हिस्सा नीचा, यहाँ से स्लोप आया, कोई ये लॉन कैसे मकान यहाँ से इनका शुरू हो रहा है प्लान कंपाउंड वाल, तो ये हिस्सा नीचा, तो ये गाड़ी अंदर आई है, तो इससे इनका अग्नि कोण नीचा हो गया। अग्नि कोण का नीचा होना जो द्वार से ही जगह पर है, द्वार यहीं आना चाहिए, पर अग्नि कोण का नीचा होना ये जो है विवाद और कलह का कारण होता है। इनको चाहिए था कि ये इसका फ्लोर लेवल बराबर एक जैसा रखते, यहाँ का फ्लोर लेवल भी बराबर रखते, लान में भी इतनी मिट्टी भरते हो घर के फ्लोर लेवल का बराबर हो, मिट्टी घर के अंदर ना आए। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ईंटों की क्यारी जैसी बना देते ताकि मिट्टी जब पानी डालते हैं तो वो पानी इधर ना आए, और यहाँ पर इसको सीमेंटेड करते हैं या पेवर लगाते कुछ करें, पर ये पूरा रखते। और जो गाड़ी है, ऐसे लोगों को चाहिए गाड़ी अपने घर के बाहर रखें, सड़क पर रखें, गाड़ी अंदर नहीं रख सकते ये लोग। और सीढ़ियाँ बने, बाहर बने, ताकि आपका जो पूरा घर है ये एक जेर ऐसा रहे, समतल रहे, तो ये बहुत बड़ा दोष है। दूसरा, इन्होंने इसके हिसाब से द्वार रख दिया कि ये हो गया अब पूर्व अग्नि का द्वार, विवाद और कलह का कारण। ये द्वार ठीक है, मध्य का द्वार है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये द्वार ठीक है, ये उत्तर ईशान का हो गया, ये सीढ़ियाँ भी ठीक हैं, और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट के लिए मना करते हैं, बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। सीढ़ियों जब ये शास्त्र लिखे गए उस वक्त सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन ही नहीं सकते थे, उस वक्त स्लेब नहीं डलते थे, उस वक्त सॉलिड ईंट की दीवारें सीढ़ियाँ बनती थी, पूरी ईंट जमा जमा के बनाया जाता था, इसलिए साउथ साउथ वेस्ट में बनाते थे ताकि भारीपन मार रहे। अब तो नीचे से हल हो तो आप टॉयलेट बना सकते हो। जब शास्त्र लिखे गए उस वक्त जो बातें कही जाती वो अलग हैं, आज की बनावट बिल्कुल अलग है। मैंने 50 घरों में इस तरह की सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खुद के घर में भी रहा है। एक ये OTS बिल्कुल अच्छा है, जब ऐसा कुछ हो 2-3 मंजिल मकान तो OTS बड़ा ही रखना चाहिए ताकि अच्छी तरह से रोशनी हर जगह आ सके। ये OTS अब यहाँ ने फिर गलती करी कि ये हो गया नैऋत्य का द्वार और ये हो गया अग्नि का द्वार। कभी भी पहली बार तो इसका तिरछे द्वार नहीं लगाना चाहिए, यह गलत होता है। इसको सीधा करके द्वार, इसको भी सीधा करते ये द्वार यहाँ लग जाता और ये द्वार यहाँ लग जाता, ये हो जाता पूर्व अग्नि का, दक्षिण अग्नि का, और ये हो जाता, ये भी दक्षिण अग्नि का हो जाता एक, और फिर ये पलंग भी यहाँ आ जाता प्रॉपर जगह पर। दूसरा, इन्होंने क्या करा, अब ये ईशान होने के कारण इस टॉयलेट को यहाँ, और ये OTS रखा है, ये OTS अच्छी बात है, पर इससे क्या हुआ कि इसका इस कमरे का ईशान कोण कट गया। इनको चाहिए था यहाँ एक दीवार यहाँ तक बनाते और दीवार यहाँ तक बना के और यहाँ पर आने जाने का रास्ता रखते। अब यह खिड़की आने जाने का रास्ता नहीं रखा, इन्होंने रास्ता यहाँ से रखा है, समझिए। तो उस केस में क्या होता है कि इसका ईशान कट गया, तो बेहतर है इसको यहाँ तक जोड़ते, इसका दीवार बना देते तो ये इसका पार्ट हो जाता, ये इसका पार्ट, तो कटता नहीं कोई कोना। ये दरवाज़ा ठीक है, ये दरवाज़ा गलत है, और किचन इनका किचन अब इसके कारण अब कि ये यहाँ तक बढ़ा हुए तो मतलब किचन का आ गया मध्य पूर्व पूर्व दिशा में, मध्य पूर्व दिशा में आ गया, क्योंकि ये इनकी अग्नि दिशा हो गई, तो पूर्व दिशा का किचन जो है अच्छा नहीं होता, क्योंकि पूर्व दिशा में किचन रहेगा तो घर की जो मालकिन होगी वो उसके बाद सब कुछ होते वो नाखुश रहेगी, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी, स्नायु तंत्र की समस्याएं रहेंगी और पित्त की समस्या रहेगी,
तो ये होता कि ये कार बाहर रखते, किचन यहाँ बनाते, ठीक है ना, फिर बाकी इसके साथ जो गलतियाँ उसको दूर करते तो घर अच्छा बन सकता, प्लाट सा साइज बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही गलतियाँ करते हैं लोग और फिर घर बनाने के बाद दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।